हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा द नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद अब प्री टूर्नामेंट अगर ये हम इस गेम की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम होगा बिटवीन टू टीम्स हु जनरली कंपीट फॉर एशेज बट अब स्टेट ऐसा है की इंग्लैंड इज टोटली डाउन एंड आउट वाइल ऑस्ट्रेलिया लुक्स ऑल सेट फॉर द सेमीफाइनल्स तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पे होना चाहिए एंड नहीं है, टाइपो नहीं है विन ऑन इंग्लैंड बट मुझे लग रहा है कि नाउ दैट दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट मे बी आके थोड़ा सा फ्रीली खेल जाए वैन ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैव सम प्रेशर टू कम आउट एंड विन दिस गेम सो आई थिंक मे बी इंग्लैंड वहां पे आपके लिए एक रैबिट आउट ऑफ द हैट निकाल दे क्योंकि हम हमें जो याद है 2015 के बाद वो जो पूरा चेंज हुआ था उनके स्टाइल ऑफ प्ले में वो तभी हुआ था जब उन पे कोई प्रेशर नहीं था तो मे बी आप यहाँ पे उनका वो फ्री स्टाइल एंड फ्री प्ले देखो विदाउट एनी प्रेशर बट लेट्स सी हाउ द गेम विन पे ना हमारे करते हैं ना हमारे टूर्नामेंट के सो नॉट टू इम्पोर्टेंट चलते हैं हमारे आज के प्रव्यू की तरफ ऑब्वियसली आपको ज्वाइन करने स्मॉल लीग्स एंड मिनी जीअल इन द सेम प्रोपोर्शन एंड एक बहुत ही बड़ा गिव अवे ऑन विजन 11 एंड माय मास्टर 11 दोनों एप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में

अब एक गोल्फ कार्ड के बाहर गिर गए इनकी जो इंजरीज है दिस गेम। चलते हैं। वेदर रिपोर्ट की तरफ काफी हीट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने देखा है यहाँ पे वाइल्ड बोलिंग फर्स्ट कैन बी चैलेंजिंग पेस्ट स्पेशली जो पहला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वाला गेम था बट नॉट एज मच हीट मे बी एज मुंबई तो मे बी समाइड पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छी बैटिंग पिचेस हमें देखने को मिली है एक जो बात है मैंने जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वाले गेम में ऑब्जर्व किया था वहां पे पिच थोड़ी सी स्लो थी थोड़ा सा होल्ड कर रही थी वाइल जो इंडिया पाकिस्तान वाला गेम था वहां पे इन द चेज काफी बेटर हो गई फॉर बैटिंग हमने ये इवन इन इंग्लैंड न्यूजीलैंड देखा तो आई थिंक जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतती है पहले बोलिंग करना ही चाहेगी एज हमने देखा है कि अंडर लाइट्स इट गेट्स बेटर

एंड जो फिफ्थ बोलर है ऑस्ट्रेलिया का विल बी बिटवीन ग्रीन स्टॉइनस एंड ट्रेविस हैं तो ये तीन के बीच में आपको दस ओवर दिखने चाहिए एंड बाकी के चालीस ओवर्स फ्रॉम द रेगुलर बोलर वाइल इंग्लैंड की बात की जाए तो आई डोंट नो मे बी यहाँ पे सैम करन को वापस लाया जाए क्रिस वोक्स खेलेंगे या नहीं आई एम नॉट टू श्योर एज इन कंडीशन में हमने देखा है यहाँ पे कुछ खास हेल्प नहीं है अप्रंट सो लेट सी इंग्लैंड की क्या इलेवन है क्योंकि इंग्लैंड के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा जिस तरीके से इन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला है सो विदेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट टू दीम्स तो स्टार्ट करेंगे पहले विद फर्स्ट प्लेयर है आप डेविड वॉर्नर आई थिंक इनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑफलेट अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं बहुत सारे कैचेस भी ले रहे हैं विच मे ऑब्वियसली बिकम्स अ बिग प्लस पॉइंट फॉर यू कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप है उनके इंग्लैंड के सामने जो हम डिस्कस करेंगे आगे बट आई थिंक एक अच्छे पिक है ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं एट द स्टार्ट ऑफ इज इनिंग्स सो ऑल एंड ऑल क्वाइट अ गुड पिक फॉर यूवर टीम फिर चलते हैं आगे की तरफ ट्रेविस हेड आई थिंक हमने जो पहला गेम इनका देखा वर्सेस न्यूजीलैंड काफी रिस्क लेके खेला इन्होंने बट इट पेड ऑफ अब एक जो इंटरेस्टिंग बात होगी कि क्या ऑफ स्पिन इन दोनों के सामने यूज किया जाएगा हमने देखा कि वो गेम में भी ऑफ स्पिन के सामने थोड़ा इन्होंने हेजिटेट किया एंड हमें पास में भी पता है कि ऑफ स्पिन के सामने इन दोनों की कुछ वीकनेसेस है तो वो हिसाब से विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या यूज किए जाते हैं प्लस याद रखिएगा कि वे ट्रेवल्स एट द रिस्क मीटर इज लिटिल बिट हाइअस्ट थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके खेलते हैं बट अब इनकी ऑस्पिन भी विद इन प्ले आएगी सो बिकम्स अ प्लस पॉइंट जिस तरीके का फॉर्म है इंग्लैंड के, मतलब तो रिस्क, रिस्क के सामने उतने अच्छे नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर टीम एंड इनका जो रीसेंट फॉर्म भी रहा है थोड़ा अप एंड डाउन रहा है लास्ट गेम में थोड़ा अच्छे टच में लगे स्टार्ट बट फिर वापस आउट हो गए so इनका फॉर्म जो है हाथ वाला साइन है नॉट

ये yeah, एक्चुअली काफी अडेप्टेबली खेले हैं इस टूर्नामेंट में ऐसे सिचुएशन में आए हैं जहां पे इन्हें आके मारने की जरूरत है स्टार्ट एंड फिर भी काफी अच्छा किया इन्होंने प्लस कैचिंग पोजिशन में रहे तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी पिक बन सकते हैं याद रखिए कि इंग्लैंड में काफी सारे राइट right हैंडर्स हैं तो मे बी इनकी जो लेग स्पिन है इस गेम में यूज की जाए काफी सारे बोलिंग ऑप्शन है इन ऑस्ट्रेलिया जॉर्श इंग्लिस अब हमें पता है कि विथ इंग्लैंड यू हैव टू अदर कीपर्स जो वाइल्ड फॉर्म में नहीं है रिसेंटली बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑब्वियसली जॉश इंग्लिश से थोड़े सुपीरियर है जीएल में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो बेस टीम में आई डोंट थिंक इन्हें जगह मिलेगी मार्कस टॉयनस ऑब्वियसली इनका अपॉर्चुनिटी मीटर बहुत हाई है एज इनके ओवर्स विद द बॉल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं ऐसा इन्विजन कर रहा हूँ कि ग्रीन एंड स्टोनस दोनों को दो दो तीन तीन ओवर्स मिलेंगे एंड फिर जो भी बेहतर करेगा सिक्स सेवन को मिलेंगे ऑब्वियसली इनके साथ कुछ खास फॉर्म रहा नहीं है मैचअप्स और नंबर्स इनके इंग्लैंड के सामने कुछ खास है नहीं है प्रॉब्लम क्या है विद ग्रीन एंड विथ स्टॉइनस हमें पता है कि आएंगे न मिडल ओवर्स तो अभी अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में कोलैप्स हो जाएगा तो फिर ग्रीन एंड स्टोनस की वैल्यू 2X हो जाएगी क्योंकि फिर हमें पता है कि इन्हें आके समय लेकर बैटिंग भी कर सकते हैं एंड फिर साथ साथ में बॉल के साथ भी वैल्यू दे सकते हैं बट ऑन द सेम एंड अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वापस टॉप हैवी अच्छी बैटिंग करेगी तो उसका यह मतलब है कि इन्हें कुछ खास मौका भी नहीं मिलेगा विद द बैट एंड विद बॉल क्योंकि हमें पता है कि पांच छह ओवर से ज्यादा अनलाइकली है तो बाय वुड आई गो विद था? मैं जाऊंगा विद द बोलर्स जिनसे पूरे ओवर्स लाइक लिया तो वो हिसाब से दोनों थोड़े से ट्रिकी पिक्स बन जाते हैं फॉर्म भी इनके साथ अभी के लिए रहा नहीं है बट क्योंकि जिस तरीके की वैल्यू प्रोपोजिशन है अगर इंग्लैंड सही साइड पे उठी आज बैठ के तो क्या हो जाएगा जल्दी विकेट गिर जाएंगे एंड फिर इनके मौके जो है बढ़ जाएंगे बैट कमिंग आई थिंक विद द बॉल काफी एवरेज है लास्ट गेम में विद काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी इनसे प्रॉब्लम क्या है कि आके बार बार हिट द टैक हिट दिट दाली बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट गेम में फिर भी विकेट लेकर गए थे एंड ठीक ठाक पिक कहूंगा मैं एज वापस इनके साथ दोनों डिपार्टमेंट्स में आपको थोड़ी वैल्यू मिल जाती है एंड जिस टाइप के बॉलर है बहुत सारे रन भी दे देते दे दे हैं कभी कभार बट विकेट जनरली इन्हें मिल जाते हैं तो वो हिसाब से एक अच्छी पिक बन सकते हैं

पता है कि विद सब कॉन्टिनें टीम्स उनको पेस के साथ बीट किया जा सकता है विद इंग्लैंड वाइल्ड फॉर्म के हिसाब से बीट किया जा सकता है बट जनरली हम देखते हैं कि इंग्लैंड पेस को काफी ठीक ठाक खेल लेते हैं तो हेंस स्टार्क पे अभी के लिए हैंड का साइन है बट जिस तरीके का फॉर्म रहा है इंग्लैंड का विद नाइन्टी नाइन परसेंट मेरी टीम में इन्हें भी जगह मिल जाएगी जॉर्श हेजलवुड काफी अच्छी लाइन एंड लंस डाल रहे हैं कभी कभार रन खा रहे हैं बट हमने लास्ट गेम में भी देखा कि आई थिंक मेरे हिसाब से तो तीनों पेसर्स में से काफी डिपेंडेबल बोलर यही रहे थे और बिल्कुल इन्हें भी टीम में मिल जानी चाहिए तो क्योंकि सामने काफी सारे राइट हैंडर्स है तो वो हिसाब से इनका मौका अच्छा खासा बनना चाहिए मैक्सवेल कैरी मार्श ऑल ऑफ देम अनलाइकली टू प्ले अब चलते हैं टीम इंग्लैंड की तरफ जॉनी बेस्टो है, तो वो हिसाब से कुछ टीम्स में लिया जा सकता है team, I don't know, कि अब बैटर को लेना काफी मुश्किल बन जाता है एज इनका फॉर्म कुछ है ही नहीं एंड मलान एंड रूट के साथ हमें सिर्फ ये इंश्योरेंस है कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट कोशिश तो उनकी वही रहती है कि आराम से खेले तो फैंटेसी वैल्यू हमें वो हिसाब से ठीक ठाक मिल जाती है एल्स हमें पता है कि विद ऑलोरी ओनली एडवांटेज एंड स्टार्टिंग में थोड़ा कम रिस्क लेते हैं बेन स्टोक्स की बात की जाए तो आए हैं वापस इन द टीम आफ्टर इंजरी एंड आफ्टर रिटायरमेंट बट अभी तक इनसे इन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखा हमने इन द वर्ल्ड कप बट ऐसे टाइप के प्लेयर है कि जनरली जब डाउन एंड आउट रहते हैं तो एक बड़ी परफॉर्मेंस इनसे आ जाती है एक दो टीम में तो बिल्कुल ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा अब प्रॉब्लम क्या है विद ऑल इंग्लैंड बैटर्स अगर हमें लग रहा है कि अच्छी बैटिंग कंडीशन है तो हम उन्हें फेवर कर सकते हैं बट जिस तरीके का फॉर्म है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक एनी पिक्स आई थिंक अगर एक प्लेयर है जिन्हें अभी भी टीम में जगह मिल जाएगी वो है जॉस बटलर क्योंकि जिस तरीके का अप्रोच है इनका थोड़ा सेफली खेलते हैं एंड वो हिसाब से हमें फैंटेसी वैल्यू दे सकते हैं विद द बैट एंड विद द ग्लव्स लियम लिविंगस्टन एंड मोइन अली ये दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में फिट करूंगा मे बी मोइन अली लिटिल बट हायर इन दिस गेम एज हमें पता है कि जो दोनों ओपनर्स है उनके सामने मे बी इनकी उनकी बोलिंग वैल्यू भी आ जाए हमें पता है कि लियम लिविंगस्टन भी ऑसपेंट डाल सकते हैं बट विद मोइन अली इट इज मोर लाइकली

अगर मैं कोई और ऑलराउंडर के साथ नहीं जा रहा हूँ like तो बैटिंग वैल्यू भी इनके साथ है क्रिस वोक्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा किया इन्होंने बट वापस यही इश्यू है कि इन कंडीशन में कुछ खास हेल्प इन्हें मिलना अनलाइकली है ऑब्वियसली लास्ट गेम में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं बट आई डोंट सी की ऑस्ट्रेलिया इन्हें कुछ खास विकेट दे जाए अनलेस कुछ लाइव ग्रास हो या बहुत ज्यादा बाउंस एक्सपेक्टेड हो फ्रॉम द पिच वही केस में रहेंगे टीम में आदिल रशीद अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया विद ऑस्ट्रेलिया कि जो मैचेस में अच्छे भी बैटिंग करते हैं या थर्टी थर्टी फिफ्ट ओवर के आसपास कुछ विकेट इनके ना क्लम्प जाते हैं तो चाहे फर्स्ट बोलिंग हो या सेकंड बोलिंग हो आदिल रशीद वो हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज हमें ये भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे जॉश इंग्लिस उसके बाद एंड याद रखे की इनके कुछ अच्छे मैचेस भी है विद स्मिथ वगैरह वो मैं आगे डिस्कस करूंगा बट आएंगे यहाँ पे जॉश इंग्लिस मार्कस स्टॉइनस एंड कैमरन ग्रीन तीनों को लेग स्पिन के सामने कभी कभार हो सकती है कैल्ड स्टॉइनस ने इनको पास्ट में अच्छा खेला है बट आउट भी काफी बार हुए हैं तो आई थिंक आदिल रशीद का जो पोटेंशियल है इस गेम में काफी अच्छा हो सकता है मार्कवुड आप यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसेस देख देख सकते हो बट फिर भी सोच रहे हो कि वहां पे एक हैंड क्यों है प्रॉब्लम क्या है इनके साथ जो मैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कहता रहा हूँ कि जिस तरीके का पेस है इनका लाइकली है कि बैटर्स इन्हें मिस क्यू कर जाए अगर ये भी दो विकेट हमें दे जाए तो तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से ठीक बन जाते हैं फर्स्ट तो में ले जाऊं बट उसके अलावा आई डोंट थिंक मेरी टीम मिलेगी सैम करन अगर खेलते हैं मे बी विद द बैट एंड विद द बॉल ओवरऑल फर्स्ट बोलिंग में थोड़ी सी वैल्यू हमें देके जा सकते हैं तो फर्स्ट बोलिंग में इन्हें बिल्कुल कंसिडर करूंगा आप देखते हैं आज के मैचअप स्टीव स्मिथ वर्सेज आदिल रशीद आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्स डिसमिसल्स एंड वाइल्ड स्ट्राइक रेट यहाँ पे ठीक ठाक है बट नंबर ऑफ डिसमिस काफी अच्छे हैं यहाँ पे आदिल रशीद वर्सिस जो यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं किया बट का स्ट्राइक रेट उनके सामने अबाउट है वाइल उनको आउट भी आउट काफी बार हो चुके हैं तो वो एक और मैचअप टू वॉच आउट फॉर रहेगा डेविड वर्सिज क्रिस वोक्स चार डिसमिस स्ट्राइक रेट और सेवेंटी इस मैचअप को मैं ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा एज ये मैचअप हमने ज्यादा देखा है इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जहां पे बॉल थोड़ी मूव होती है तो अनलेस हमें लग रहा है कि बॉल स्टार्टिंग में मूव होगी तो फिर ये मैचअप एक्टिवेट होगा नहीं होगा डेविड वॉर्नर वर्स मोइन अली थ्री रेट ऑफ सेवेंटी थ्री डोंट बी सरप्राइज एक साइड से अब वोक्स देखो दूसरी साइड से मोइन अली एंड यहाँ पे डेविड वॉर्नर आपके जीएल ड्रॉप रिस्क बन जाता है जॉर्ज पाटला वर्सिज एडम जैम्पा बोध राजस्थान रॉयल्स बॉयज फोर्टी टू और फिफ्टी थ्री फोर डिसमे अब यहाँ पे वायरस स्ट्राइक रेट अच्छा है प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 53 बॉल्स में चार ऑलमोस्ट एवरी बटलर का कुछ खास रहा नहीं है. बहुत खराब है विध जॉसलवुड आप देख सकते हो फिफ्टी का स्ट्राइक रेट विद्सटी फोर का स्ट्राइक रेट तो ऑब्वियसली जो रूट भी यहाँ पे आपके लिए एक रिस्क ड्रॉप बन जाते हैं स्पेशली अगर ये सेकंड बैटिंग कर रहे हैं फिर अंडर प्रेशर उन्हें अटैक करने को फोर्स किया जाएगा एंड वो केस में विकेट बिल्कुल आ सकते हैं तो ये है सम बनाते हैं हमारी कल की बेस कीपिंग सेक्शन इंश्योर की आप सबके अभी अभी सब लिए नॉट ओनली ऑन माई मास्टर बट आल्सो ऑन विजन इलेवन दोनों एप्स की लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अभी, अभी जाके साइन अप कर लो स्टार्ट करते हैं कीपिंग सेक्शन

मैंने जैसे आपको कल कहा मोइन अली की यहाँ पे पोटेंशियल अच्छी हो सकती है मे बी इन्हें टी टू में ट्राई किया जाए या अगर मुझे कोई बैटर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं उन्हें छोड़ के यहाँ पे मोइन अली को ले सकता हूँ अब अगर स्टार्ट में कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प या तो अगर जो रूट डेविड मलान सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो वो केस में दोनों में से एक को ड्रॉप करके मैं डेविड विली को स्लॉट इन कर लूंगा एडम एग्जाम्पर म्यूचुअल स्टार्क जॉस हेजलवुड

Based on हमने जो फॉर्म देखी है इस टीम की क्योंकि मुझे लग रहा है कि वे जो रू डेविड मलान हमें एटलीस्ट मे भी उतनी अश्योरेंस आ रहा है कि एटलीस्ट बीस पच्चीस रन हमें मार के दे दें तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक प्रोपोजिशन बन जाते हैं अगर स्कोर बहुत छोटे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि रशीद वोक्स ये बिल्कुल पूरी तरीके से विकेटलेस चले जाए तो ये बेस टीम स्मॉल लीग्स के लिए बट मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड यहाँ पे कुछ कमाल कर सकती है तो अब बनाते हैं वो सिनेरियो की टीम एंड जो मैं आपको टेलीग्राम पे कहता हूं मेरी टीम टू। तो टीम टू के पहले कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेफ चॉइसेस है वो डेविड वॉर्नर एंड ट्रेवे हेड बट जैसे मैंने कहा दोनों के कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप है इस गेम में हेंस टोटली सेफ नहीं कह सकता हेंस अभी के लिए आई थिंक एडम जैम्पा एंड मिचुअल स्टार्क मेरे लिए अच्छी चॉइसेस है बेस्ड ऑन इंग्लैंड बैटिंग फॉर्म इंश्योर आप सब लाइक बटन अभी के अभी हिट कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है आप आप में से बहुत लोग ये वीडियो को यहां तक स्क्रॉल करके देख रहे हो तो लाइक बटन अभी अभी के अभी हिट कर लो आप चलते हैं टीम टू की तरफ जिसमें मैं इंग्लैंड को फेवर कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मे बी इंग्लैंड को इस गेम में थोड़ा सा एज मिल जाएगा तो पहले मेरे जो पहले जो तो रिस्क यहाँ से होंगे वो होंगे डेविड वॉर्नर एंड ट्रेविस हेड क्या लॉजिक है ट्रेविस हेड का लॉजिक सिंपल है कि मुझे लग रहा है कि वो जिस तरीके के रिस्क ले रहे हैं धर्मशाला में बॉल थोड़ी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है अहमदाबाद उतना आसान नहीं होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बैटिंग पिच नहीं होगी बट मे बी उतना आसान नहीं होगा एंड मार्क वुड मोइन अली एंड क्रिस वोक्स हमें पता है कि चैलेंज थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हेंस अभी के लिए मैं इन पर रिस्क ले रहा हूँ डेविड वॉर्नर के हमने मैचअप ऑलरेडी देख ली इन फ्रंट ऑफ क्रिस वोक्स एंड इन फ्रंट ऑफ मोइन अली तो मुझे लग रहा है कि इस गेम में जो है मिडिल ऑर्डर टेस्ट होगी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हेंस मैंने टॉप ऑर्डर में से उन दोनों को ड्रॉप किया है यहां से मैं जा रहा हूँ विद आदिल रशीद एज अ गुड बैकअप ऑप्शन अब समझिए कि मेरा ड्रॉप रेस भी फेल हो जाता है वोनर और हेड में से कोई एक अच्छे नॉक अच्छी नॉक खेल के चला जाता है हमें फिर भी पता है कि अगर ऐसा हुआ आदिल रशीद फिर भी आके फर्स्ट बॉलिंग में मिड ओवर्स में इंपैक्ट बना सकते है। हैं हेंस वो है मेरी पहली पिक इस सेक्शन से एंड दूसरी पिक यहाँ पे मोइन अली जैसे मैंने कहा अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉनर हेड जल्दी आउट हो जाएंगे तो मोइन का मे बी वहां पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहना लाइकली है प्लस मोइन विद द बैट आपको वैल्यू दे सकते हैं तो ये दो माइनर ट्विक्स है मैंने कुछ खास नहीं बदला मैंने दो चीजें बदली एंड आपको लॉजिक भी बता दिया कि समझिए रिस्क नहीं भी चलते हैं तो किस तरीके से जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स है आपको कुछ तो वैल्यू देके जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली अगर रिस्क चल गए तो देन द वैल्यू पोटेंशियल इज अनलिमिटेड अब बात करते हैं बाकी की चेंजेस की अगर मैं इंग्लैंड के फेवर में टीम बना रहा हूँ तो पैट कमेंट जैसे मैंने कहा कि विद द बैट थोड़ी वैल्यू दे रहे हैं आके थोड़े बहुत विकेट्स लेके जा रहे हैं कन्विंसिंग ये बिल्कुल भी नहीं लगे एंड वो हिसाब से पैट कमेंट पे वो लॉजिक के हिसाब से रिस्क बन सकता है अब यहाँ पे अगर मैं पैट कमेंट्स पे रिस्क ले रहा हूँ तो मैं किस बैटर को यहाँ पे स्लॉट इन कर सकता हूं दैट विल बी द की क्वेश्चन एंड मुझे लग रहा है कि पैट कमेंट जिस टाइम पे आते हैं बोलिंग के लिए वो होता है आफ्टर हेजलवुड एंड स्टार्क्स फर्स्ट पेल तो समझिए अगर स्टार्क एंड हेजलवुड ने वहां पे आके जल्दी विकेट ले भी लिया बेन स्टोक्स का इम्पैक्ट यहाँ पे बन सकता है मुझे लग रहा है कि जिस टाइप के प्लेयर है वो वो डेस्परेट होंगे टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन दिस गेम एंड हेंस बेन स्टोक्स को यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो नाउ बिकॉज आई एम फेवरिंग इंग्लैंड टू विन द मैच I think मैं वापस थोड़ा हिंच कर रहा है, है, फ्रॉम इंग्लैंड अब ऑब्वियसली जिस तरीके का फॉर्म है कोई भी सेफ नहीं कह सकते बट क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा सेफ है तो जो रूट अगर हमें लग रहा है कि सेकेंड बॉलिंग में इम्पैक्ट बनेगा रशीद आप उनके उनके साथ जा सकते हो या अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो कि इंग्लैंड के कौन से प्लेयर के साथ जाया जाए तो वहां पे आप जैम्पा या स्टार्क के साथ जा सकते हो और हमें पता है कि विकेट्स तो इंग्लैंड की फिर भी गिरेंगी चाहे वो जीते या हारे एंड हमें पता है कि जा, स्पेशली जैम्पा जैम्पा का फॉर्म काफी अच्छा रहा है तो मे बी थोड़े से बैंकर टाइप ऑफ ऑप्शन वो बन जाते हैं ऑब्वियसली रिस्की चॉइसेज में इंग्लैंड के सारे बैटर्स अच्छे हैं एज हमें पता है कि जो दिन पे क्लिक करेंगे दैट डे देर पोटेंशियल बिकम्स अनलिमिटेड तो ये मेरी टीम वन बेस्ड ऑन लॉजिक बेस्ड ऑन फॉर्म बेस्ड ऑन जो हमने अब तक टूर्नामेंट में देखा है And ये मेरी टीम टू जो दूसरे प्लेयर है उनको आप क्या सीनारियोज में ट्राई कर सकते हो जॉनी बेस्ट हो वाइल आई नो इन चीज यहाँ पे अंडरलाइट थोड़ी मूवमेंट हो सकती है ये ऐसे टाइप के प्लेयर है कि गेम टोटली अपनी तरफ लेके जा सकते हैं अगर पहले कुछ ओवर संभाल के खेल रहे हैं तो जॉनी बेस्टो बेस्ट जीएल आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो बेन स्टोक्स का सीनारियो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मानस कैग ने इफ इज बैटिंग फर्स्ट मैं बिल्कुल उन्हें ट्राई करूंगा ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो लियम लिविंग टीम्स या टीम्स आउट ऑफ ट्वेंटी एट बेस्ट पहली बैटिंग में थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आप उनसे विद द बैट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पेशली अगर वहां पे जल्दी विकेट गिर जाए ना विद ऑस्ट्रेलिया इफ आर एक्सपेक्टिंग अर्ली विकेट्स तो स्टॉइनस एंड ग्रीन जो टीम्स में आप वॉर्नर हेड पर रिस्क ले रहे हो

अब चलते हैं जो बाकी के जीएल ऑप्शन है उनकी तरफ तो ये मेरे जीएल ऑप्शन है वो देख चुके हो तो फिर आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्ट मिल गया है कि मैंने क्या हिसाब से ये पिक्स किए हैं मोइन अली लो सिलेक्ट डाकोस पे की ऑलरेडी नो है नहीं पता है तो उसक्रोल बैक कर लो जॉर्ज हेजलवुड क्योंकि अच्छी लाइन लाइन डाल रहे हैं मैं सरप्राइज हूँ कि अभी भी लो पिक है डेविड विली क्योंकि मे बी उतना मूवमेंट ना हो उस ट्रैक से फिर वो में आप इंग्लैंड करे जहां वो जल्दी कुछ विकेट ले जा पाए बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड जैम्पा मलान एंड राशिद जैम्पा जिस तरीके के फॉर्म में मे बी बॉलिंग फर्स्ट में भी अच्छे पिक बन सकते हैं बैटिंग सेकेंड बॉलिंग फर्स्ट विल बी मार्क वुड एंड इन बोथ सिटुएशन स्टार्क हेजलवुड एंड स्टीव स्मिथ वाइल आई नो की फॉर्म इनका कुछ खास नहीं रहा है क्लास प्लेयर है मैटर ऑफ टाइम की वो आके एक बड़ी पारी खेल जाए तो ये रहे मेरे आज के प्रिडिक्शन पिक्स इंश्योर आप सब लाइक बटन हिट करें कॉमेंट जरूर करें एंड जस्ट व